Uh, I'm Professor Dr. Arabella Bhutto, working as Vice Chancellor, SEBS University Jamshoro. But before being working here as a Vice-Chancellor, I have been working in different universities with the education background. So today my session with you is to talk about my entire journey. In early 80s, I had an opportunity to learn in a private school in Hyderabad. Uh school, private sector school in work ek English medium school, इम्पॉर्टेंस दी जाती थी और मेरे ख्याल में कि जो फाउंडेशन हमारी उस स्कूल में क्रिएट हुई वही मुझे हेल्प करती रहीं आगे अपनी जर्नी को मूव करने में सो फ्रॉम नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक आई वॉज स्टडिंग इन हयात स्कूल देन फॉर माई कॉलेज आई वेंट टू नज़रत गर्ल्स कॉलेज एंड देन फ्रॉम देयर आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न माई अंडर ग्रेड फ्राम मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी महाराउ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इन 94 फोर बैच आई गॉट एन एडमिशन और उस टाइम पे डिफरेंट ऑप्शन होते थे एडमिशन के ऑफकोर्स मेरिट लिस्ट सेल्फ फाइनेंस सो आई हैड माई एडमिशन ऑन अ मेरिट लिस्ट इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में एक कॉन्सेप्ट था उस टाइम पे और वो कॉन्सेप्ट यह था कि लड़कियाँ यहाँ नहीं पढ़ती तो इन माई बैज आई थिंक वी आर प्रिवेलेज इनफ के वीर फोर गर्ल्स इन दैट बैज रेस्ट फॉर ऑल बॉय स्टूडेंट्स लेकिन ये चीज़ कभी प्रॉब्लम नहीं हुई बींग बिट लेस इन नंबर मेरे ख्याल में वी ऑल फोर व्रिवेलेज इनफ कि हमें ज़्यादा पढ़ाई में टीचर्स के साथ इंगेज होने में स्टूडेंट्स के साथ असाइनमेंट्स करने में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती रहीं बट्सो है इंसीडेंट एंड वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी बिकॉज दैट इंसीडेंट इन फैक्ट मेड मी स्विच फ्राम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टू अनदर डिसिप्लिन विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पर एक रिवाज था यूनिवर्सिटी में और वो रिवाज ये था कि स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से पेपर्स का बाइकॉट कर देते थे तो मैं हमारे दूसरे स्टूडेंट्स के साथ यू आर सिटिंग इन टू एन एग्जामिशन हॉल एंड ऑल ऑफ सडन वॉट हैपन के मॉब ऑफ अ स्टूडेंट केम उन सब ने यह कहा कि आपको पेपर देने की ज़रूरत नहीं है टू डे इज़ अ बाकॉट सो बिकॉज आई वॉज इन फर्स्ट ईयर वेरी नोविस स्टूडेंट हमें पता नहीं था कि चीज़ें चलती किस तरह हैं तो ऑफकोर्स विद द अदर स्टूडेंट वी ऑल्सो केम आउट मी माई सेल्फ एंड फोर अदर गर्ल्स विद मी तो हमने भी पेपर का बाइकआउट कर दिया मुश्किल से एक महीने के बाद हमें फिर अपॉर्चुनिटी मिली कि आपको ये पेपर दोबारा देना है और जब हम दोबारा पेपर देने के लिए गए तो आधे घंटे के बाद वही सेम मॉब केम ओवर और उस मॉब ने फिर कहा कि आपको पेपर का बाइकआउट करना है देर वॉज समथिंग विच वॉज वेरी अलार्मिंग टू मी आई रियलाइज़ कि अगर ये कंटिन्यूसली ऐसा चलता रहा तो उसका मतलब हमारा फर्स्ट ईयर खत्म ही नहीं होगा और जब हमारा फर्स्ट ईयर खत्म नहीं होगा तो हम सेकेंड ईयर में कैसे जाएंगे थर्ड ईयर में कैसे जाएंगे तो अनफॉर्चुनेटली क्या होगा कि हमारी डिग्री का ड्यूरेशन बड़ा हो जाएगा सो आई थॉट दैट आई एम नॉट रेडी टू गो फॉर बायकॉट और मुझे पेपर देना चाहिए बट एट दैट मोमेंट इट वॉज सम करेजियस डिसन दैट आई हैड टू मेड मैं मैं अपने चेयरमैन के ऑफ़िस में चली गई और चेयरमैन के ऑफ़िस में जाकर मैंने कहा कि सर मैं बाइकआउट नहीं करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं पेपर दूँ चेयरमैन ने मुझे थोड़ा सा समझाया फिर थोड़ा सा डराया और उन्होंने कहा कि फिर भी आपकी मर्ज़ी है अगर आप करना चाहते हैं तो बेशक पेपर दे दें तीन घंटे चेयरमैन की ऑफ़िस में बैठकर मैंने अपना पेपर कंप्लीट किया और जब पेपर कंप्लीट करके आई वाज गोइंग आउट तो मैंने देखा कि वो मॉब तो जा चुका था जिसने बाइकआउट करने का जिक्र किया था या जो बाइकआउट किया था लेकिन फिर वहाँ पर मेरे अपने क्लासमेट्स का एक मॉप खड़ा था और दे वर एजुटेटिंग इन अ वे कि अदी तुम ता पेपर न दियण हो तुम पेपर छो दे पता नहीं आई टॉक टू दैम एंड आई डिस्कस विद दैम उन्होंने दादा तुम रियलाइज कर दा यू आर स्पेंडिंग योर टाइम राधा यू आर वेस्टिंग योर टाइम सो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम बिकॉज दिस इज़ नॉट द वन ईयर इन विच वी हैव टू गो ऑन एंड स्टे well, because now second year, in though, we will have third year, we will have fourth year, and once we will be completing our four-year duration degree, we have to move on to our professional lives. so wasting this particular moment today would cause us wasting much more time of our life in the future. Kher, of course, that uh, debate went on, and then afterward, to that paper, after two days, there was another examination scheduled, and it was for engineering drawing. एंड आई रिमेंबर इन दर इंजीनियरिंग ड्राइंग पेपर आई टुक माई बोर्ड विथ मी आई टुक माई टी स्क्वायर विथ मी क्योंकि उसके पेपर के अंदर आपको स्केच करना होता है आपको सिविल इंजीनियरिंग डिजाइन बनानी होती हैं जो एग्जाम में पेपर आता है तो वैन आई रीच टू द एग्जामिनेशन हॉल आई रियलाइज देर अगेन देर वॉज अ मॉब ऑफ अ स्टूडेंट माई ओन क्लासमेट माई सी आर वॉज वन ऑफ दैम और वो रोम अराउंड कर रहे थे मेरे डेस्क के और वो कह रहे थे कि आपको पेपर नहीं देना चाहिए था आपको पेपर नहीं देना चाहिए था एंड देर वॉज एन एजुटेशन वॉज अ शाउटिंग दो टीचर्स वो स्टैंडिंग दे लेकिन फिर व्हाट हैपन दैट माय सीआर आर माय बोर्ड उन्होंने वो बोर्ड स्नेच किया उन्होंने डेस्क पे रखा और जिस तरह पंच करते हैं उसको उसको पंच करके उन्होंने उसको तोड़ दिया फिर देन यू टुक माय टी स्क्वायर फ्रॉम मी उन्होंने कहा मैं इसको भी तोड़ दिया अब क्यों इस तरीके का माहौल क्रिएट हो गया तो सारी बातें टीचर्स भी कंसर्न थे चेयरमैन भी कंसर्न थे और फिर वॉट एड हैपेट माई चेयरमैन एंड माई वाइस चांसलर दो दे विजिटेड द क्लास रूम द एग्जामिनेशन हॉल और वहाँ पे आके उन्होंने स्टूडेंट्स को समझाया कि ऐसा नहीं करें जो पेपर होना था वो हो चुका है और आपका कसूर है बिकॉज यू लॉस्ट उसने तो पेपर दिया है उसने तो एग्ज़ाम दिया है तो खैर देन हाफ एन आवर के बाद वो चीज़ें सेटल डाउन हो गई और फिर वॉट इट हैपन दैट आई है दर एग्जामिनेशन मैंने एग्ज़ाम दिया और उस एग्ज़ाम में वन में से मेरे वन मार्क्स आए सो आई थाट कि ये ऐसे ऐसे मोमेंट हैं आपके लाइफ के अंदर जो आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं because it always happened that you face a problem and when you face a problem that problem give you courage to solve a problem and once you get a courage to solve a problem you are ready to face the another problem तो आई थिंक लाइफ गोज ऑन इन टू डिफ़्रेंट स्टेजेज़ वी आर नॉट लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पे हमें चैलेंजेस नहीं आएंगे बट एज मच एज वी हैंडल चैलेंजेज़ एज मच एज देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी ग्रो इन आर लाइफ खैर अलहद ला फिर देन, आई फिनिश माई इंजीनियरिंग डिग्री एंड वंस आई फिनिश माई डिग्री दैन आई वेंट फॉर माई वर्किंग एन्वायरमेंट सबसे पहले मैंने जॉइन किया था प्राइवेट सेक्टर में इसरा यूनिवर्सिटी एज अ लेक्चरर वहाँ पर मेरे दो साल थे लेकिन पैरल वहाँ पर जब मैं काम कर रही थी तो उसके साथ ही मेहरान यूनिवर्सिटी में मास्टर्स प्रोग्राम स्टार्ट हो गए थे सो आई वाज अगेन द पायन इन अ बैच जब वहाँ पे एमई प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड इंजीनियरिंग में तो इन द मॉर्निंग टाइम मेस्ट्रा यूनिवर्सिटी में आई वाज वर्किंग एंड इन द इवनिंग टाइम आई वॉज टेकिंग क्लासेज सो टू इयर्स फॉर दीज मास्टर्स प्रोग्राम आई स्पेंड इन ड्यूरेशन ऑफ दैट प्रोसेस वर सम अदर अपॉर्चुनिटीज केम इन टू प्लेस एंड इट वॉज व्स इन पाकिस्तान एयरफोर्स सो एज़ अ फ्लाइट लेफ्टिनेंट अब आपको इल्म होगा कि फ़्लाइट लेफ्टिनेंट बनने के लिए या पाकिस्तान एयर फोर्स के एग्ज़ामिनेशन देने के लिए एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है वो आई एस एस बी टेस्ट में से गुजारते हैं और उसमें आपके सब्जेक्ट नॉलेज को चेक करते हैं आपकी साइकोलॉजी की चेक करते हैं आपकी फ़िटनेस चेक चेक करते हैं तो एक लंबा प्रोसेस होता है दैट नेली टेक्स अबाउट ट्वेल्व टू थर्टीन मंथ सो वॉट आई वॉज डूइंग इन दैट ड्यूरेशन आई वॉज स्टडिंग

spent in masrur Base, karachi. when i had that uh, test, when i finished with my all these tests and uh, qualified, i was the only one student, girl student in the sindh who qualified for the flight lieutenant, in, in pakistan air force, for, in the pakistan air force those years. so wo test pass, they started calling to our home. my parents go call, kaha now you have to send uh, our, our person, our person to the Uh, रिसालपुर अकेडमी और रिसालपुर अकेडमी में वहाँ पर यह होगा कि छः महीने तक वो आपका बच्चा जो है वो आपसे डिसकनेक्ट रहेगा फॉर द अर्लियर वन मंथ फॉर द अर्लियर वन मंथ आप उनके साथ कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते लेकिन फॉर द रेस्ट ऑफ द फाइव मंथ आप उनसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं लेकिन शी के नॉट विजिट एंड देट वॉज अ मोमेंट माई फादर रियलाइज़ के आई के नॉट स्पेयर माई गर्ल्स स्टूडेंट फॉर सिक्स मंथ फॉर देट लॉन्ग तो जब ये सारे टेस्ट कंप्लीट हो गए तो उन्होंने मुझे कहा कि आई वॉज इन अ प्रोसेस ऑफ पैकिंग दैट बैग उन्होंने कहा कि सिक्स वाइट शलवर कमीज़ लेकर आए अपने साथ तो मैंने सिक्स वाइट शलवार कमीज़ सिलवाए अपना बैग पैक किया एंड देन माय फादर वेंट आउट टू बाय अ टिकट फॉर मी कि भई अब आपको मैं भेज रहा हूँ रिसालपुर एकेडमी आधे रास्ते से वो वापस आ गए और आधे रास्ते से वापस वापस आकर उन्होंने कहा कि आई मेड अ डिसीजन दैट आई एम नॉट सेंडिंग यू बिकॉज आई के सेंड ऑन माई डॉटर फॉर लाइक सिक्स मंथ्स ड्यूरेशन इतना दूर फिर मैंने कहा कि फादर इफ़ इफ़ यू हैड टू डिसाइड दैट आप उसको पहले डिसाइड कर लेते मैंने बारह महीने के टेस्ट दिए हैं और 12 महीने के टेस्ट के प्रोसेस से गुजर कर मैं इस जगह तक पहुंची हूं तो इफ़ यू हैड नॉट इफ़ यू डिड नॉट वांट मी टू गो अब मुझे पहले बता देते मैं इतना प्रोसेस नहीं करती देन आई रिमेंबर माई फादर गेव मी वन मैसेज एंड दैट मैसेज वॉज के ठीक है नो डाउट यू आर नॉट गोइंग देयर बिकॉज यू मे हैव अनदर ऑप्शन और अल्लाह पाक सब के लिए रस्ते रखता है आपके लिए कोई और रास्ता अल्लाह पाक ने खोला है तो नो no डाउट आप यहाँ पर नहीं जा रही हैं लेकिन इस सारे प्रोसेस में आपने कुछ लर्न किया है और जब इस सारे प्रोसेस में आपने लर्न किया है वो लर्निंग आपको फिर हेल्प करेगी आगे अपने लाइफ के अंदर सो अगेन आई वुड एड हेयर कि चीज़ें लाइफ में अप एंड डाउन होती हैं वॉट वी हैव टू डू वी हैव टू हैव फेथ हमें ये बिलीव होना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे साथ लाइफ में होता है वो हमारी बेहतरी के लिए होता है अब इंटरेस्टिंगली वन आई वॉज देयर अटैम्प्टिंग माई मेडिकल फिटनेस टेस्ट फॉर पाकिस्तान एयरफोर्स उसी टाइम पर यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में लेक्चरशिप की पोस्ट भी अनाउंस हुई थी आई है डिसीजन वेदर आई एम गोइंग फॉर द टेस्ट ऑफ लेक्चर इन महरान यूनिवर्सिटी पर और आई है डिसीजन कि मुझे कराची जाना है मसरूर बेस पर फॉर दैट फिटनेस टेस्ट दो आई वेंट फॉर द फ़टनेस टेस्ट एंड डिड नॉट टेक एन अपॉर्चुनिटी फॉर एलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इन महरान यूनिवर्सिटी लेकिन एक महीने के बाद अनदर अपॉर्चुनिटी केम इन टू बींग और उस एक महीने के बाद महरान यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्टैब्लिशमेंट हो रही थी वहाँ पर इंडक्शन हो रही थी पाँच लोग मैं और मेरे साथ चार और लोग वी क्वालिफाइड टू बी अ पार्ट ऑफ महरान यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट टू थाउजेंड थ्री दोज डेज एंड फ्राम दिस टू थाउजेंड थ्री टू ऑनवर्ड्स टिल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री आई रिमेन एसोसिएटेड विद महरान यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट एक इंस्टीट्यूशन हमने बनाया ग्रो किया और ग्रो करने के बाद उसी इंस्टीट्यूशन को एड एन अपॉर्चुनिटी टू लीड एज अ डायरेक्टर